ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। फाइनली एक और इंटरव्यू आ रहा है डॉक्टर साहब के साथ, तो आज फिर कब आ गए डॉक्टर साहब हमारे। तो डॉक्टर साहब, लास्ट टाइम में थोड़ा काफ़ी शॉर्ट टाइम था, वीडियोस हम पूरी नहीं बना पाए, तो आज हम आए थे यहाँ पर यासर भाई के डेरे पर, यासर डोगर साहब और उस्मान भाई, उस्मान बलोच साहब। तो यहाँ पर डॉक्टर साहब से कुछ और सवाल कर लेते हैं, कुछ और इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं जहाँ तक हो सकता है। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मेरा एक सवाल है कि आज एक भाई का मुझे वो आया मैसेज व्हाट्सएप पर, कि वो कह रहा था कि मैंने भैंस तो अच्छी ले ली है, अब कोई सीमन के बारे में मुझे बताएं कौन सा सीमन अच्छा है। आप मुझे कोई गाइड करेंगे इस बात के बारे में, कोई मार्केट में कोई अच्छा सीमन हो। सीमन की अगेन फिर बात वही है जी, उनको कहें कि कोशिश वो करें कि खुद देख के जो करीबी उन्हें अच्छा बुल मिले, जिसको वो खुद ज़ाहरी तौर पे देख सकें, कोई ऐसा बुल उनके कुर्बो जवार में मौजूद हो जिसकी माँ का उनको पता हो या किसी बड़े को पता हो, ऐसे जानवर से एटलीस्ट जो है उसको एटलीस्ट जो है वो क्रॉस करवा लें। सीमन के इशू में आगे बहुत से इशूज हैं कि बुल्स के पीछे से क्या उनकी पेरेंटेज वैल्यू है, अगर जिन पेरेंट्स के हैं वो कितने परसेंट जो हैं वो डीएनए अप्रूव्ड आ जाते हैं। सरकार ने एक दफ़ा ये स्कीम शुरू की थी, अच्छा, कि डीएनए शीएनए का, और जी जिस बुल का कट्टा है, जिस माँ का कट्टा है, वो जनाब डीएनए करवाएंगे और बच्चे लेंगे। हमारी एसोसिएशन ने भी बहुत सी जगहों के ऊपर चीज़ों को किया था, अच्छा, इसमें बहुत एफर्ट्स पुट की थी ब्रीडर एसोसिएशन ने भी इस मसले में, अच्छा। अब उनके बच्चे भी बुल्स के आना शुरू हो गए हैं, वो डिस्ट्रिक्ट वाइज ना जी उनके सीमन इशू किए हैं गवर्नमेंट ने, तो उन बुल्स को देख लिया जाए। गवर्नमेंट ने ख़ुद भी अपने तहीं भी कुछ अपने फार्म्स वगैरह के बुल लिए हैं, तो लेकिन सबसे अच्छी बात तो यही है कि जो अपने कुर्बो जवार में आपके में जानवर जो आप लोगों ने खुद देखा हुआ है, उसका बच्चा या जोटा या कट्टा जो जवान हुआ हो उससे क्रॉस करें। सीमन पर आपका कोई टेस्ट नहीं है? अभी सीमन के ऊपर मुख्तलिफ इशूज हैं, अच्छा। सबसे पहली बात तो ये है कि सीमन की बनाने में टेक्निकली हम लोग बहुत ज़्यादा कमज़ोर जा रहे हैं। सही कहते हैं ना जी, भैंस जो है वो एआई के थ्रू बच्चा नहीं देती, ऐसी बात नहीं। हमारे यहाँ सीमन में स्पर्म मोर्टेलिटी की रेशो बहुत बुरी तरह डिस्टर्ब आती है, सीमन की थाइंग का नहीं लोगों को पता, सीमन की हैंडलिंग इटसेल्फ एक बहुत सेंसिटिव इशू है। सही। और वो जितना भी नाजुक मरला है उसके अंदर फिर आप कहेंगे आप अंग्रेज़ी बड़ी बोल रहे हैं, तो झटके लोगों के लिए कि ज़िंदा जरासीम किसी भी एक जो डोज है उसमें जितने ज़्यादा होंगे उतने ही जानवरों के बच्चा देने की जो है वो रोइयत ज़्यादा होगी, चांस ज़्यादा होगा। हमारे यहाँ तो जी अभी मैं तो उस स्टैंडर्ड से भी मुतमाइन नहीं हूँ, उसी की वजह से और टेक्निकली लोगों का बहुत कम इल्म होने की वजह से हमारे पास भैंस के पास भैंस में रिपीट जो चांसेस है बहुत ज़्यादा बनते हैं। एक दफ़ा फिर मैं हम उसको कह सकते हैं कि निगलेक्टेड एरिया, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन भैंस के ऊपर कामयाब है या नहीं है, इससे पहले हमें ये ज़रूर देखना होगा क्या हमारे लोग इस हद तक एक्सपर्ट हैं। देखें जी, जब आप थाइंग करते हैं ना, थाइंग का मतलब है कि वो आप लोगों ने देखा होगा आपके पास डॉक्टर आता है, वो टीका निकालता है, उस कहता है जी थोड़ा सा नलके से और पानी ले आए हो जी, उसमें उसको रखता है और उसको करके जी फिर उसके बाद वो लगाता है डोज जो है वो इंजेक्ट करता है, सिर्फ उस टेम्परेचर के अंदर बहुत से इफ़ेक्ट्स आ जाते हैं। फिर जानवर हीट में है नहीं है, ये लोग कुछ लोग होते हैं कि ये जी सीमन की फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए सबसे बेहतरीन तो ये होता है कि जिस टाइम आप लोग जानवर को डोज इंजेक्ट करते हैं तो उस टाइम उसका वेग मैक्सिमम होना चाहिए, फॉलिकल रप्चरेशन के करीब होनी चाहिए। खैर ये फिर अगर टेक्निकली बातें आ जाती हैं तो लोग इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते। जो बंदा एक दफ़ा आपके दरवाजे पे आ गया है उसने बीज रखना ही रखना है, भैंस बोली भी या नहीं बोली भी उसका मसला नहीं है, उसका मसला वो 500-600 रुपया है।
जहाँ पे इतना प्रोफेशनलिज्म आसानी से ख़त्म किया जा सके वहाँ पे आपके पास चैलेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं। सो मैं तो कतन तौर पे इस स्टेटमेंट के ख़िलाफ़ हूँ कि भैंस में रिजल्ट नहीं आता जी, इंसेमिनेशन का आता है, लेकिन उसमें बंदा टेक्निकल कितना है, सीमन की प्रिजर्वेशन कितनी टेक्निकली अच्छे तरीके से की गई है, ये सब चीज़ें जो हैं ये उसमें बहुत ज़्यादा क्लीदी किरदार अदा कर। सही है। चलिए डॉक्टर साहब, अब नेक्स्ट सवाल हमारा ये है कि हाँ, यहाँ पे मैं ये ज़रूर कह दूँगा, ऐड करना चाहूँगा, भैंस के मैदान के अंदर इनकलाब एआई में कामयाबी के बगैर नहीं आना, लगा लें जोर सारे बशमूल हमारे, हम तो अपने आप को कंसीडर करते ही नहीं है ना, तो हम अपनी बात तो करते ही नहीं है, लेकिन मजमूई तौर पर कौमी सतह पर इनकलाब किसी सूरत मुमकिन नहीं है एआई के बगैर। लेकिन जितना बड़ा ये स्कोप है, जितना बड़ा लेवल पे ये बेहतरी ला सकता है, उतने ही लेवल पे ये तबाही भी फेर सकता है। अच्छा, एआई के अंदर मूव करने से पहले आप लोगों को, जो मैं हमेशा कहता हूँ, रिकॉर्ड और डीएनए और ये सब चीज़ें ज़बरदस्त तरीके की एक्यूरेट चाहिए होंगी, उसके बाद हम डोजेज लगा के उनके रिजल्ट्स को देखेंगे और उसके बाद हम नेशनल लेवल पर इन चीज़ों को कर सकेंगे। अगर जो हम झूठ का सहारा ले रहे हैं नेचुरल सर्विस पे बगैर रिकॉर्ड के, बगैर किसी चीज़ के, इस किस्म के रवैये को एआई पे ट्रांसफ़र करेंगे, तो जिस तरह हमारी भैंस दिन ब दिन जबूं वाली का शिकार है, ये प्रोसेस और तेज़ हो जाएगा और हम इसके अपने असल पोटेंशियल से भी हाथ धो बैठेंगे। सही हो गया डॉक्टर साहब, मैं अपनी बात शामिल करता चलूँ। काफ़ी ज़्यादा दोस्त मुझे जो कमेंट्स करते हैं पूछते हैं कि हाजी साहब सीमन मना रहे कि नहीं है, पाकिस्तान कोई और बंदा भी, तो अभी तक मेरी नज़र में कोई भी नहीं है कि जो अभी काम कर रहा हो सीमन पर। डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं कि हम भी काम कर रहे हैं, तो डॉक्टर साहब अपने बारे में कुछ बताएंगे। देखिए, वो उसके अंदर ये है कि वो बाद में ना फिर अदालत लग जाती है, अवामी अदालत जिसे कहते हैं, वो लोग फिर हमसे सवाल कम और फर्द जुर्म ज़्यादा आयद करने लग पड़ते हैं। सीमन का जी हमारा 900% प्लान है। अच्छा, लेकिन उसमें बात फिर वही आ रही है कि हम लोग चाह रहे हैं कि जब सीमन मार्केट में दें तो एआई के लिए डोजेज अवेलेबल करें, हम उस पर चेक्स कैसे रखेंगे, किस तरह, वो सारे प्रोसीजर्स जो हैं वो हमें डिसाइड अभी कर रहे हैं, उस पर वर्किंग कर रहे हैं। सबसे ज़रूरी अमूर ये हैं, सिर्फ सीमन लेके तो आगे बेच देना और सारा दिन खच्चर के ऊपर घोड़ा लिख के कहते रहना ये घोड़ा ही है, ये घोड़ा ही है, ये घोड़ा ही है, ये काम ना हो। अगर वो खच्चर है तो पता हो ये खच्चर है, और घोड़ा है तो पता हो ये घोड़ा है। सही। सो कोशिश ये कर रहे हैं, इसलिए हमें डिले सिर्फ इस चीज़ में हो रहा है। तकरीबन हमारी बाकी तमाम तैयारियां कंप्लीट हैं, हम सिर्फ रिकॉर्ड्स को मज़ीद बेहतर कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं ताकि हम आप लोगों के साथ एक प्रॉपर सिस्टम को इंशाल्लाह शेयर करेंगे। लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्द वर्किंग कर रहे हैं, इसको एग्जीक्यूट भी बहुत जल्द इंशाल्लाह हम करेंगे। ठीक हो गया डॉक्टर साहब, ये बहुत अच्छी कोशिश होगी अगर आप काम करेंगे तो इस पर। तो डॉक्टर साहब एक और सवाल कि बुल की सिलेक्शन आम बंदा करे तो कैसे करे? देखिए जी, बुल की सिलेक्शन में मैं हमेशा कहता हूँ आपको कम से कम एक चीज़ देख लें, माँ मिल जाएगी। सही। अगर आपको माँ भी से, माँ या बाप आइडियल होते हैं, या बुल की तो जी आप कम से कम तीन जो है पिछली जो नस्लें हैं वो आपको पता होनी चाहिए, चलें नहीं पता, कम से कम माँ पता हो। सही। कम से कम माँ बाप, चलें उससे एक स्टेप ऊपर माँ बाप, उससे ऊपर नानियाँ, नानी नाना दादी दादा, तो फिर एक वो ट्री बनता है। वो ट्री में आप कितनी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है। पाकिस्तान में अलमिया ये है ना जी कि माँ के लेवल पे भी झूठ है, बाप के लेवल पे भी झूठ है, इतना झूठ है कि तकरीबन पिछले 30 साल से तो ये आम प्रैक्टिस लोगों की रही है कि कहीं से भी कोई भी जानवर ख़रीद के उसके माँ बाप बयान करके लोगों को जानवर बेच के नफ़े जेब में डाल दिए। ये सब कुछ होता रहा है इस इंडस्ट्री में और भैंसों के साथ होता रहा है। आज सोशल मीडिया का दौर है, आज शायद कम हो गया हो लेकिन लोग अभी बाज नहीं आ रहे हैं। मैं आपको बताता चलूँ, संजीदगी से काम करने में बहुत वक्त चाहिए होता है। ये जो लोग होते हैं ना शोभदाबाजी,
ये शोभदा बाजी में दिन रात में, रात से दिन में और दिन से रात में पैसे बनाने के जो चक्कर है, इसमें झूठ और झूठ में फिर बहुत ज्यादा झूठ जो है उसका अमल दखल होता है। सो कम अज कम किसी जानवर ऐसे से अपने जानवर क्रॉस करवाएं, आपको माँ का तो पता है, उसमें तो आपको कोई डाउट ना हो। कोशिश करें, एक आवाज़ है, एक सोच है जो हम सिर्फ फैला सकते हैं सोशल मीडिया के ज़रिए, आप पूछते हैं आपके ज़रिए, एक से दो में सोच डेवलप होगी। हम बुल कंपनी के प्लेटफॉर्म पे ये चीज़ें कर रहे हैं, ऐसी ख्वाहिश है अल्लाह करके ऐसी हर 8वें किलोमीटर के बाद 3-4 दोस्त मिलके ऐसी एक एक कंपनी और इसी तरह पढ़े लिखे अंदाज में रिकॉर्ड बेस काम करना शुरू करें, तो आप सोचें कि गुमनाम सूरत हाल में हमारे पास आज भी ऐसे ऐसे बुल खड़े हुए हैं जिनके रिजल्ट आते हैं और लोग कहते हैं वो तो ऐसी ज़िबा करवा देता है। अगर लोगों में शऊर आ गया और उन बुल्स को हम बचाने लग पड़े, तो मैं कहता हूँ कि अगर पूरा कौमी सतह पर जिम्मेदारी का सबूत दें, 5 से 7 साल हैं, आप लोग पूरी दुनिया में लीडर बन के निकलेंगे। भैंस में ये जो बेचते हैं ना, ये 2 लाख 3 लाख 4 लाख इन्ने लाख होने लाख, इनकी कोई वक़्त नहीं रहनी। जब आपके पास एक्सपोर्ट में आप लोगों के जानवरों की बात आएगी और दुनिया की नेशंस आपके जानवरों को इम्पोर्ट करने में आएंगे, ख्वाहिशमंद होंगे, तो आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि कितनी बड़ी वर्थ है इस फील्ड में। सही। लेकिन उससे पहले हमें सच बोलना होगा, अपने मुल्क को फुट एंड माउथ डिजीज़ फ्री जोन में कन्वर्ट करवाना होगा, हमें अपनी वैक्सीन्स पे रिसर्च करनी होगी, हमें बच्चों को ग्रो करवाने पे रिसर्च करनी होगी, हमें AI के सिस्टम बनाने होंगे, हमें रिकॉर्ड रखने होंगे, हमें सच बोलना होगा। तो अल्लाह करे कि हम लोगों का स्टेमिना इतना ज़्यादा बन जाए मिनहसुल कौम के हम ये सारे काम करें। 5 से 7 सालों में आप जितनी मर्जी एक्सपोर्ट करें जानवर, आपके दुधेल जानवरों की भैंस में पूरी दुनिया डिमांड करेगी, और जहाँ जितनी कमाई आप वहाँ से कर सकते हैं शायद किसी और सेक्टर में करेंगे, लेकिन उससे पहले ये तमाम शराइत का पूरा होना ज़रूरी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये एक सिस्टम के तहत होंगी, ऐसे नहीं होगी। और उसके लिए मैं हमेशा पॉजिटिव इस सेंस में हूँ कि अगर आज ये बात हो रही है तो चलें, को 1000 बंदा इस वीडियो को देखेगा तो कुछ 2 बंदों के जहन में तो ये बात बैठेगी, वो इसको प्रैक्टिकली करने लग पड़ेंगे, 2 से 4 का जहन बनेगा, इंशाल्लाह बेहतरी आ जाएगी। सही बात है डॉक्टर साहब। एक और ये कि अगर आपको पता है कि मार्केट में जो कट्टों की ख़ास तौर पर जिनका रिकॉर्ड वगैरह पता हो, जेन्युइन हो, ठीक है, उनकी रेट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तकरीबन 3-4 लाख से कम में नहीं मिलते, तो आम बंदा अफोर्ड भी नहीं कर सकता इतना, ठीक है, कभी भी नहीं कर सकता मेरे ख्याल से। तो इसका कोई सलूशन है कि बंदा और कोई रल मिल के कोई तरीके से काम करे? 3 दोस्त मिल के 4 लाख नहीं खर्च कर सकते? 4 लाख की क्या वैल्यू है? चले मैं आपको वैल्यू बताता हूँ। आपने 4 लाख का एक बुल ले लिया, हमारे यहाँ बुल लेना दुनिया का सबसे सस्ता काम है पाकिस्तान में। इधर तो अभी भी लोग फिर रहे हैं जो मेच्योर बुल 1-1.5 लाख 1.5 लाख का ढूंढते फिरते हैं। सही बात। एक बुल 10 भैंसों को क्रॉस दे देगा, फर्ज करें मैं छोटा, इससे भी छोटा लेवल कर लेता हूँ, 10 भैंसों में जी 5 कटियाँ आ गई, माड़ी आम सी कटी भैंस आजकल 2.5 लाख की बिक जाती है। सही बात है, ठीक है जी। 4 लाख का आपने ले लिया, 3 बंदों ने मिल के लिया, 1.5 कटी की 2 कटियों की कीमत। सही बात है। एक सुए में 2 कटियों की कीमत, उसके बाद जितने सुए, सिर्फ 10 भैंसों पे तो क्रॉस नहीं होगा ना। सही बात है। तो सिर्फ 2 कटियां ही तो पैदा नहीं होंगी ना। आप बुल को 3 साल तक तो रख सकते हैं, 4 लाख 5 लाख 6 लाख बुल की कोई कीमत नहीं है जी। और अगर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन AI के प्रोजेक्ट में देखें तो बुल की कोई कीमत नहीं है, और जो प्रूवन बुल इस टाइम इंडस्ट्री में खड़े हुए हैं उनकी वो प्राइसलेस है, बेमोल है। अगर और बहुत कम लोग ऐसे हैं इस टाइम जिनके पास प्रूवन बुल हैं, और वो लोग बड़े साफ सुथरी लाइन में इस चीज़ को साबित भी करने की अहलियत रखते हैं कि ये वाकई इसके बच्चे हैं। अक्सरियत बच्चे किसी के हैं, बुल कोई शो हो रहे हैं, काम कुछ चल रहा है, खुदा रहा इन चीज़ों से निकल आए, खुदा के लिए बेजुबानों से झूठ। खैर,
मैं क्या कह सकता हूँ। फिर वो बातें लोग कहते हैं कि आप नेगेटिव पिक्चर ना दें, होता है जो सोसाइटी में, मैं रियलिटी बताता हूँ, खुदा रहा इन चीज़ों से निकलें। अगर आप लोग और हम पाकिस्तानी वाकई डेवलप करना चाहते हैं तो खुदा रहा रिकॉर्ड बेस पे आएँ, खुदा रहा सच बोलने की आदत डालें, एक दूसरे को सच बताएं। यार गलत जानवर निकल आते हैं, बड़े बड़े अच्छे जानवर खरीदने के लिए जाते हैं, गलत निकल आते हैं, तबाही फिर जाती है। लेकिन यार लोगों को बताएं, अपना काटा लोगों के घरों में ना डालें, कुछ नहीं बगा, कोई बहुत ज़्यादा को पैसों के अंबार नहीं लग जाने, कितने अपने काटे लोगों के घरों में फेंक लेंगे, ख़त्म हो जाएगी यार बात। इसके अलावा डॉक्टर साहब एक और है कि जो बाजुकात ना आम बंदा सिलेक्शन करने जाता है, वीडियोज़ वगैरह देखता है नेट से, तो वो कहता है कि उसके बुल के टेस्टिकल इस तरह के होने चाहिए कि वो नीचे इकट्ठे हों, जुड़े हों, आगे पीछे ना हो, कोई लंबे ना हो, इस तरह सीन। क्या इसकी क्या रीज़न है, कोई है इसका कोई टेक्निकल बात? टेस्टिकल का सिर्फ एक काम है कि वो स्पर्म कितने अच्छे प्रोड्यूस करते हैं, फैक्ट्री है स्पर्म प्रोड्यूस करने की टेस्टिकल। सही, जो कुदरती तौर पे हम सर्विस लेते हैं उसके अंदर टेस्टिकल्स की को शेप्स वगैरह का को बहुत ज़्यादा साइंस से कोई ताल्लुक नहीं। एआई के अंदर आपको जितने स्पर्म ज़्यादा एक जानवर की जैकुलेशन में मिलेंगे, एक डोज में जितनी डोजें ज़्यादा उतना नफ़े की रेशो, एआई में इसलिए इस पर बहुत ध्यान दिया है। सही, मखरूती शक्ल के बड़े टेस्टिकल बड़े होते हैं, कैपेसिटी ज़्यादा है स्पर्म बनाने की, इसका मतलब है कि जानवरों के गब्बन होने के चांस उतने ज़्यादा हैं। सही, जितने ज़्यादा हैं उतने बच्चे ज़्यादा आएंगे, जितने बच्चे ज़्यादा हैं उतना नफ़ा ज़्यादा आएगा, सादा सी बात है। ये जो है ना जी चीरवें हों तो चड्डे दूर होते हैं, इसका मतलब है जिनके टेस्टिकल जुड़े हुए हैं उनके थन तो फिर जुड़े हुए होने चाहिए, जबकि 90% तो टेस्टिकल नॉर्मल शेप में जुड़े हुए ही होते हैं लेकिन थन तो फिर दूर होते हैं। फिर जी जिसका टेस्टिकल पीछे को है वो चड्डा बाहर निकालेगी, सुबहान अल्लाह। कैसी कैसी ज़बरदस्त इस दुनिया में साइंस हम लोगों ने बनाई हुई है, जी पीछे को होगी तो चड्डा बाहर को निकालेगी, टेस्टिकल पीछे है चड्डा बाहर कैसे निकलेगा, वो भी मेरे कोई बताए जी इसमें कौन सी साइंस है। सो ये सब चीज़ें जो हैं ये मैटर करती हैं, इनका रियलिटी से खुदारा कोई ताल्लुक नहीं है। अगर आप नेचुरल सर्विस करवा रहे हैं तो जिसकी एक आंड है एक टेस्टिकल है ना जी, उसका भी स्पर्म इतना प्रोड्यूस हो जाता है कि उसके अंदर भी कंसीव जानवर का। सही, ठीक है। लेकिन जहाँ पे एआई की बात होगी वहाँ पे स्पर्म की अवेलेबिलिटी मोटैलिटी कम होगी, जहाँ पे कम मोटाइल स्पर्म होगा वहाँ प्रेगनेंसी की रेशो बहुत कम आएगी। सही। इसके अलावा डॉक्टर साहब एक और मैंने सुना है कि जो ज़्यादातर ब्रीडर हज़रात हैं जो माँ के पहले बच्चे को कंसिडर करते हैं, बंद कर दें भाई जान। नहीं यार आवाज़ आएगी, शोर आएगा, बंद कर दो कुछ देर के लिए बस भाई जान, बंद कर दो। कि मैंने सुना था ये कि ना ज़्यादातर जो ब्रीडर हज़रात हैं वो पहले जो माँ का पहला बच्चा होता है कट्टा उसको प्रेफर करते हैं कि उसे बच्चे लिए जाएं, कोई ख़ास बात है इसमें? इसमें ख़ास बात ये है जी कि जब वो बच्चा जवान होता है तो माँ पैलन होती है, जब तक वो जवान हो के आगे से उसके बच्चे आने लग पड़ते हैं आपके पास टाइम पीरियड ज़्यादा हो जाता है। सही, वो कट्टा जवान होगा उसके बच्चे आके आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि ये भैंस आगे से कैसा बच्चे में परफॉर्म करवा रही है। सही, लाजमी नहीं है कि हर मादा ही जीन डोमिनेट कर जाएगी, बुल सिलेक्शन भी एक साइंस है कि जीन किसका डोमिनेट होना है किसका नहीं होना, ये भी एक सिस्टम है। तो इसमें आपकी सिलेक्शन एक हद तक जाती है आपकी, उसके बाद जाके सिलेक्शन के बाद फिर लक भी इसमें बहुत ज़्यादा होता है, किसका जीन कहाँ पे डोमिनेट होके क्या रिजल्ट बनने हैं के फैसले हम सिलेक्शन कर सकते हैं, इस चीज़ को ऊपर लेके नहीं जा सकते। बाहर की मगरबी दुनिया ने इस पर तहकीक की है, हम लोग तो जी अभी बेस से ही बड़ी दूर हैं, हमने अभी डेटा नहीं स्टार्ट किया, डेटा कीपिंग नहीं स्टार्ट की है तो बहुत दूर की बात है, जीनियाती और डीएनए की फिर जनाब जेनेटिक मैपिंग ये दूर की बात है। कागज़ों में आपको ये सारी रिसर्च मिलेगी, कागज़ों में मिलेगी, लेकिन ये कहाँ पर रिसर्च होती है ये हमें नहीं समझ आती कहाँ पर पाकिस्तान के लेवल की। सही। और इसके अलावा डॉक्टर साहब ये स्ट्रक्चर की बुनियाद पे सिलेक्शन की जा सकती है? ये होनी चाहिए, होनी चाहिए स्ट्रक्चर की बुनियाद पर होनी चाहिए। स्ट्रक्चर की बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो जानवरों को सपोर्ट देती हैं अच्छे,
लेकिन स्ट्रक्चर में बॉडी की फिजिकल वैल्यूज आती हैं, स्ट्रक्चर में शायद दुम नहीं आती है, स्ट्रक्चर में सींगों का कोई करैक्टर नहीं है, स्ट्रक्चर में एक आंख सफ़ेद और एक आंख काली का कोई करैक्टर नहीं है, स्ट्रक्चर में छोटी गर्दन और लंबी गर्दन का अभी तक कोई करैक्टर नहीं है, स्ट्रक्चर में चेहरा, चेहरे में माथा, मुंह, हड्डियाँ, हड्डियों के अंदर जो चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट होती है वो आपकी पिन बोन और हिप बोन की स्टाइल्स और उसके डिफरेंट रिब केज, यानी कि ये जो आपकी पसलियाँ जानवरों की होती हैं, टांगें, बिल्कुल टांगों की मजबूती, ये चीज़ें स्ट्रक्चर में मैटर कर रही होती हैं। इन सबसे ज़्यादा मैटर करता है उसका हवाना, हवाने की बनावट, हवाने के अंदर ईट का स्टाइल, स्ट्रक्चर, ये सब चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती हैं। जो चीज़ हम लोगों के पास काफ़ी हद तक फोकस उन चीज़ों पर रहा है जिन चीज़ों का दूध के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, सो हमें उन चीज़ों पर काम करना है स्ट्रक्चर में जिनका दूध की जानवर की पैदावारी सलाहियत से ताल्लुक है। मेरी बात सुने, बक्खी छोटी है बड़ी है इसका दूध से क्या ताल्लुक है, मुझे तो आज तक नहीं समझ आया। ये जी माँ जी बक्खी मुक्की जिड्डी है, भाई मुक्की तो उनने मुक्के मारने हैं उसमें, आपको उससे क्या है यार, आपको ये चीज़ देखने के रिब्स का स्टाइल कैसा आ रहा है, फ्रेम कैसा है, पेट की गुलाई का सिलसिला कैसा बन रहा है। मुख्तसर बात यह है, इतनी ज़्यादा बातें करने से बैलेंस, जानवर जितना ज़्यादा बैलेंस होगा उतना जानवर के अंदर अच्छी खसूसियात ना उसमें डोमिनेट करने की सलाहियत होगी। बैलेंस बॉडी होनी चाहिए, बैलेंस बॉडी। अब ये फिर कंफ्यूज कर दूंगा, बस इसको यहीं पे रखें, बैलेंस बॉडी जानवर की, जानवर मुतनासिब हो हर तरफ से मुकम्मल, ना के बहुत ज़्यादा लम डिंग है, ना बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इधर को हो गया उधर को हो गया, बैलेंस जैसा होना चाहिए जानवर का परफॉर्म, जानवर खराब से करते हैं अच्छा। सही है। अच्छा, यहाँ पर मैं ये भी बता दूँ कि हड्डियों से ज़्यादा अहम जो है ना वो खुराक है, न्यूट्रिशन से के अलावा दुनिया में जो मर्जी स्ट्रक्चर डेवलप कर लें न्यूट्रिशन के बगैर दूध ही नहीं मिलेगा। स्ट्रक्चर को दूध न्यूट्रिशन में बुलवाना, चलें मैं आपको कहता हूँ, आप कल ना जी एक लेक्सस ले आए गाड़ी, पेट्रोल नहीं डालना, मुझे वो लेक्सस चला के दिखाएं और उस पर मज़े ले के दिखाएं। अब पेट्रोल के अंदर भी फिर आपने सुपर डालना है, आपने वही मिलावट वाला, पाकिस्तानियों ने जो काम पकड़े हुए होते हैं, मिलावट वाला डालना है, सुपर डालना है, हाई ऑक्टेन डालना है, परफॉर्मेंस का फर्क है। भैंस के मामले में हमें तो अभी तक हाई ऑक्टेन का ही नहीं पता, हमने भैंस की फीडिंग में ये फीड करनी है तो भैंस सुपर डुपर परफॉर्म करेगी, उस पर भी कोई रिसर्च नहीं है, सारी गाय की रिसर्च थोप रहे हैं हम पे, कोई रिसर्च नहीं है। है तो मुझे ज़रूर कोई ना कोई बताए, आखिर इतना बड़ा सोशल मीडिया है, हर जगह मैं ये बातें करता हूँ, कोई तो बताए कि हमने भाई ये काम किया, तुम क्यों ये बात कहते हो, ये हम इस हेड पे आपको प्रूफ करके दिखाते हैं। बिस्मिल्लाह आएँ, हम पाकिस्तान के मुख्तलिफ फार्मर्स के पास उनको भेजते हैं, वो अपनी रिसर्च को इम्प्लीमेंट करवाएँ, रिज़ल्ट आएँ ताकि पूरी कौम का भला हो। इतने इतने अरबों रुपये लेके हमने इंस्टीट्यूशंस खड़े किए हैं, रिसर्च कर रहे हैं माशाल्लाह, दिन रात एफर्ट हो रही है, नज़र क्यों नहीं आ रही। सही बात है, 4-5 साल से डॉक्टर साहब मैं इस फील्ड में हूँ, जो 4-5 साल पहले था वही आ जाए, उससे बदतर होगा, बदतर ये है। सही बात है, रिसर्च के बगैर कैसे चीज़ों को इम्प्रूव कर जाएंगे, मुझे तो आज तक नहीं समझ आती कहाँ पे होती है रिसर्च ना करने की वजह क्या है, जबकि फंडिंग हर चीज़ अवेलेबल है, इंस्टीट्यूशंस अवेलेबल हैं, सब इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्यों नहीं रिसर्च होती, बहुत बड़ा सवाल है। सही बात है, कोई जवाब देने को तैयार नहीं, इसलिए कि जवाब जिन लोगों से लेना है उन्हें ये गर्ज ही नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अगेन बात वही है, सुबह होती है शाम होती है, बस ये लोग अपने नफ़े के चक्कर में सब बैठे हुए हैं, क्यों बैठे हुए हैं अल्लाह जाने, वही तो बंदा उठे, कैसे उठे जी, अवेयरनेस दे सकते हैं, हर पैनल पे देते हैं, सोशल मीडिया पे भी देने की कोशिश कर रहे हैं, आप आज हमारे पास आए हैं तो अवेयरनेस की ही बेसिकली तो हमारा थीम यही था ना, कि जो सतही बातें उनसे निकल के बातें की जाएं, वो ये 30 किलो दे रही है, ये 38 किलो दे रही है, इससे अलावा भी कोई बातें होनी चाहिए इंडस्ट्री में, ये कुछ नहीं, इसके अलावा बहुत कुछ है, आज हम वही हमारा टॉपिक था उसी पर बात कर रहे हैं, तो हम तो पैगाम मैसेज जो है वो मैसेज कन्वे कर सकते हैं, लोगों में शऊर ला सकते हैं, ताकि पकड़ के हम शायद चलाने की पोजीशन में है ही नहीं है, वो अरबाब इख्तियार का काम है, अब अरबाब इख्तियार 40 अरब का सीमेंट तो इम्पोर्ट कर रहे हैं और आपको क्या करके देंगे।